up my YouTube people, you're watching I am Sabhi, MBBS first year student at King George Medical University, Lucknow. So guys, अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहे हैं और हम लोग को जाना है PSC. यहाँ पे हम लोग को आज विजिट हमारी है. हम लोग पूरे बैच जा रहे हैं. फिलहाल तो हमारा जी और एच बैच है जिसमें कि हम लोग को वहाँ पे जाना है और हम लोग पूरी मस्ती करेंगे. हम पूरा व्लॉग आप प्लीज़ देखते रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है आज के व्लॉग में, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना. सो ये हमारा पूरा बैच है, जी और एच बैच, जिसके हम लोग को जिस पे जाना है. एंड वी आर अबाउट टू गो. सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं. अब फिलहाल तो शायद हम लोग को बस से जाना होगा, जिससे जाना होगा बाहर जाके हम लोग को पता चल जाएगा. तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैयार है, बैच जी और एच, अप्रॉक्स 50 बॉयज हम लोग हैं. हम लोग सारे लोग जा रहे हैं PSC में. बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो को प्लीज देखते रहिए एंड तक. ये तुम्हारा वो है फार्मेसी है, इसमें एक फार्मासिस्ट कंपल्सरी एक रहता है. मलेरिया आज GRBS ठीक है. देखो मैं ये दिखा देता हूँ, ये तुम्हारा मेन, ये है तुम्हारा जितने की सब वैक्सीन वगैरह है, सब जो वैक्सीन जो बेसिक जो स्टोरेज होता है वो सब यही रखी जाती है. जो ये वैक्सीन कैरियर हमारा रखा हुआ है उसी में हम चार आइस पैक लगा के और वैक्सीन के अंदर, वैक्सीन के अंदर आइस पैक लगा के जहाँ जहाँ वैक्सीन होना होता है सब सेंटर और पेशेंट डी की साइड वहाँ पे होता है. इसका टेम्परेचर रेगुलेशन इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए अलग इवन सिस्टम है जो टेम्परेचर की मॉनिटरिंग जो करता है वैक्सीन की. वो ILR है, ये डीप फ्रीजर है. अच्छा ये वाला डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर है, ये माइनस में रहता है इसका टेम्परेचर. ठीक है, ये तो वो बेकार हो जाएगी, तो उनको बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ रखते हैं. ठीक है, और अगर जैसे बिजली भी जाती है तो 10 कितने कितने घंटे तक हो जाता है बैकअप कोल्ड बॉक्स में? तो 8 से 10 घंटे. हाँ 8 से 10 घंटे. ये सब यहाँ पे सब होती है. ठीक है, यहाँ पे जो भी तुम्हारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन सब हो जाती है. एटर्निटी वार्ड है, पोस्ट पंप है, पोस्ट पंप वार्ड तुम्हारा ये तुम्हारा एसी एरिया है. यहाँ पे सब फीमेल वार्ड है. लेबर रूम का सर वहां पे वो शो कर रहा था, बोर्ड लगा था. Thank you.
गाइज आज का हमारा टूर होता है यहीं पे ख़त्म। बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग और मज़ा तो आज वैसे बहुत ज़्यादा आई बिकॉज़ हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हम लोग को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करी और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे और काफ़ी अच्छा लगा आज का हमारा जो विज़िट था, हमारा जो टूर था। अभी हमारा कॉलेज की स्टार्टिंग है सो काफ़ी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम लोग कहीं पर बाहर गए विज़िट के लिए, सो इट वॉज़ ए नाइस एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर कॉलेज साइड। सो गाइज हमारी फाइनली जो हमारी विजिट थी, टूर था हमारा, वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं अब अपने कॉलेज में। और ये सामने रहा हमारा गेट नंबर फर्स्ट जहाँ से हम लोग कॉलेज में इंटर करते हैं यूजुअली। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने न्यू सिटी बॉयज़ हॉस्टल में जहाँ पे जाकर हम लोग आराम करेंगे बिकॉज आज की जो आज का जो टूर था उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सब के सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और चलते हैं तब तक अपने हॉस्टल में। पागलों से हरकत करता हुआ मेरा एक दोस्त चिल मार रहा है एंड वी आर बैक टू आवर न्यू सिटी बॉयज़ हॉस्टल।